इसमें क्वेश्चन हमने कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 20 तक कर लिया था, 21 भी कर लिया, 21 भी कर लिया था, क्वेश्चन बचा 22, 23 एंड 20, वो चार तीन क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी से निपटा दे इसको। क्वेश्चन नंबर 22 दे रखा है 3 की पावर 2n प्लस 2 माइनस 8n माइनस 9, संख्या 8 से भाज्य है, संख्या 8 से भाज्य है, ठीक है ना, किससे भाज्य है, 8 से। इस तरीके हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, एक करा था 3 से भाज्य, एक करा था 11 से भाज्य, और एक करा था हमने x प्लस वाई से भाज्य, ठीक ना। आज इस एक्सरसाइज का लास्ट दिन है, देखो ये पी एन कथन मान लेते हैं, पी एन कथन मान लेते हैं, एन बराबर क्या रखते हैं इसमें, स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट यदि सॉरी एन बराबर 1 रखने पर, अगर 1 रखते हैं तो पी वन सच डेट क्या जाएगा, 3 की पावर 2 प्लस 2 माइनस 8 इंटू 1 माइनस 9 है, क्या जाएगा, 3 की पावर 4 माइनस 8 और 9 17, माइनस माइनस है ना, जुड़ जाएगा तो कितना है 17, 3 की पावर 4 तो कितना आएगा, 3 की पावर 4 81 कितना होगा, 81 माइनस 17, 81 में से 17 घटा दो कितना बचेगा, 64 कितना आएगा, 64। यह है 8 से भाज्य है ना, 8 से डिवाइड हो जाएगा, जब ये 8 से डिवाइड हो जाएगा तो क्या लिखेंगे, n बराबर 1 के लिए कथन सत्य है, n के लिए n इक्वल टू 1 के लिए क्या हो जाएगा, कथन सत्य होगा, ठीक ना। स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड, n बराबर k रखने पर, n बराबर k रखते हैं, n बराबर k रखेंगे तो क्या जाएगा, 3 की पावर 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9, यह हो जाएगा पी के सच डेट, ठीक ना। मान लेते हैं ये 8 से विभाज्य है, जब 8 से विभाज्य मान लेंगे तो यहाँ पे इसके बराबर मान लेते हैं 8x, x मान लो, माना है ना, हाँ क्यों मान लो, x मान लो, कुछ भी मान लो, मैंने कहा कोई जरूरी नहीं क्यों ही मानना है, ठीक। तो यहाँ पे मान लेंगे, माना n बराबर k के लिए कथन सत्य है, n बराबर k के लिए कथन क्या जाएगा, सत्य होगा, ठीक, क्लियर है, अच्छा कथन सत्य हो गया। अब स्टेप थर्ड पे आ जाते हैं, स्टेप थर्ड, n बराबर k प्लस 1 रखने पर, अगर k प्लस 1 रखते हैं यहाँ पे तो ये स्टेटमेंट आएगा, p k प्लस 1 सच डेट 3 की पावर 2 k प्लस 1 प्लस 2 माइनस का 8 के माइनस का सॉरी 8 k प्लस 1 माइनस 9 इतना जाएगा। अब इसको मैं सिद्ध करना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये हमारा 8 से विभाज्य है, ये जो स्टेटमेंट है ये 8 से विभाज्य है, देखो कैसे सिद्ध करेंगे, यह जाएगा 3 की पावर 2k प्लस 2 प्लस 2, देखो इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2k प्लस 2 प्लस का 2 माइनस का 8k माइनस का 8 और माइनस का 9 हो जाएगा, क्योंकि इसका 8 का अंदर हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो यहाँ पे यह जाए 3 की पावर 2k प्लस 2, 4 नहीं करेंगे, इन टू 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, हैं हमने इसको एक पद ले लिया और ये वाला जो 2 था इसको हमने अलग से लिख दिया 3 की घात 2 लिख सकते हैं, हाँ 4 लिख सकते हैं, लेकिन हमें ये वाला टर्म्स चाहिए ना, ये देखो ना ये चाहिए 3 की पावर 2k प्लस 2, इसलिए हमने 4 नहीं करा वहाँ पे, ठीक है ना, और माइनस का 8k माइनस का 9
और माइनस का 8। देख तीन का स्क्वायर कितना जगह, ये 9, तीन का स्क्वायर 9 इंटू 3 की पावर 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9 और माइनस का 8। अब देखो यहाँ पे रुक जाए एक मिनट, देखना यहाँ पे हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें ऐसा टर्म्स लाना है कि ये वाला टर्म्स हमारा बने 3 के पावर 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9 इक्वल टू 8x, ठीक ना, क्योंकि ये वाला टर्म्स तो है इसमें, ये वाला टर्म है, बस इस वाले टर्म्स को हमें दिखाना है क्योंकि यहाँ पे 9 है, 9 को हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से क्या करना है, हटाना है, क्या करना है, हटाना है। देख किस तरीके से हटाएंगे, किस तरीके से हटाएंगे हैं, देख बात नहीं, 9 इंटू 3 की पावर 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9 माइनस का यहाँ पे जोड़ देता हूँ एक लाइन और, यहाँ पे इसको मतलब यहाँ पे करो प्लस, देखो 9 8k प्लस 9 को एक बार क्या करते हैं हम जोड़ देते हैं और एक बार इसी टर्म्स को क्या कर देते हैं घटा देते हैं, 9 8k प्लस 9 को क्या करते हैं घटा देते हैं, क्योंकि इसके टर्म्स देखो इसके साथ देख 3 की पावर 2k प्लस 2 3 की पावर 2k प्लस 2 इसके साथ ये है ना, तो इसी टर्म्स में देख इसके साथ मल्टीप्लाई किसका हो रहा है 9 का मल्टीप्लाई, तो इसी टर्म्स में 9 का मल्टीप्लाई करके एक बार जोड़ दे और एक बार घटा दे, किसके टर्म्स में 8x प्लस 9 में, 8x प्लस 9 में क्या करते हैं एक बार 9 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि 9 यहाँ पे है हटाना पड़ेगा, तो इसे 9 में एक बार हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके उसको जोड़ते हैं और एक बार क्या करते हैं यहाँ पे घटा देते हैं, ठीक है, क्लियर है। देख तो क्या जगह इस पद को और इस लास्ट वाले पद को ले लो, इसको और इसको ले लो, ठीक, क्योंकि माइनस है, ये माइनस है, ठीक है। तो देख इन दोनों में से क्या कॉमन है जाएगा, 9 कॉमन है जाएगा, हैं क्या बचेगा 3 की पावर 2k प्लस 2 और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का 8k माइनस का 9। देख इन दोनों में देख क्या कॉमन है, 9 इसमें भी है 9 इसमें भी है, 9 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचेगा 3 की पावर 2k प्लस 2 यहाँ पे बचेगा माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देगा तो माइनस का 8k और माइनस का 9 बनेगा। देख ये पूरा टर्म्स सेम स्टेप सेकंड से आ जाएगा 8x के बराबर आ जाएगा। अच्छा बाकी को सॉल्व कर ले, माइनस का 8k माइनस का 9 और 9 के अंदर मल्टीप्लाई कर दे कितना आएगा, नॉट है 72 72k और प्लस का 81, तो 9 इसकी जगह स्टेप सेकंड से वैल्यू रख दे, कहाँ किससे स्टेप सेकंड से, दिया जाएगा तुम्हारा 9 8x, इसकी जगह क्या जाएगा 8x आ जाएगा, ठीक है। और ये बचेगा तुम्हारा देखो 72 में से 8 घटा देंगे तो प्लस का 64 के 81 में से 9 घटा देंगे तो कितना आएगा प्लस का 72 आएगा, 64 और 72 घटा दिया हमने, बस 72 में से 8 को घटा दिया 64 आ गया, 81 में से 9 को घटा दिया 72 आ गया, क्लियर है। देख इन सब में से 8 कॉमन आ सकता है, 8 कॉमन आ जाएगा, देख 8 से ये भी भाग हो जाएगा, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे 9x, कौन सा माइनस का हो जाएगा, किस सा ये प्लस का है ना, और ये माइनस रुक जा ये माइनस का 8 भी है, इसमें माइनस का 8 भी, ये 64 आएगा, कितना आएगा माइनस का 8 भी है ना ये, तो ये माइनस का 8 भी लेंगे तो 72 में से 17 सॉरी 81 में से अगर 17 घटा देंगे तो कितना बचेगा
64 बचेगा, कौन से माइनस की बात कर रहे हैं? अच्छा, ये वाला पद, ये तो इसके साथ लिया था ना, ये आ गया ना, ये माइनस और ये माइनस, वो तो मैंने तुम्हें पहले बता दिया, इतना जाएगा। इसमें से 8 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, 9x बचेगा, यहाँ पे बचेगा 8k प्लस 8। देखो इस पूरी की जगह q ले लेते हैं इस पे नंबर्स को, तो क्या जाएगा 8q, नहीं इस पूरी की जगह, यहाँ पे इस पूरी की जगह q ले लेते हैं, कोई भी नंबर्स ले लेते हैं, या देखो यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई में है, तो इसका मतलब अगर इसको 8 से अगर भाग करेंगे 8 से, तो 8 से क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा, ठीक है ना। तो लिख देंगे, अतः यह है 8 से भाज्य है, इसीलिए n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए कथन सत्य है। जब n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए कथन सत्य होगा तो क्या लिखेंगे, n बिलोंग्स टू कैपिटल n के सभी मानों के लिए गणितीय आगमन सिद्धांत से दिया गया कथन सत्य है, दिया गया कथन सत्य है। क्लियर है? देखो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है 41 की पावर n माइनस 14 की पावर n, संख्या 27 का एक गुणज है, ठीक है ना, किसका गुणज है, 27 का गुणज है, मतलब जो संख्या है ये 27 से क्या होगा, अगर भाग करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। सबसे पहले हम स्टेप फर्स्ट n इक्वल टू 1 रखने पर क्या जाएगा, 41 की पावर 1 माइनस 14 की पावर 1, तो 41 माइनस 14 कितना जाएगा, 27 का गुणज है, गुणज है n इक्वल टू 1 के लिए कथन सत्य है, ठीक। तो अब n इक्वल टू 1 के लिए कथन सत्य है, स्टेप सेकेंड n इक्वल टू k रखने पर अगर k रखते हैं तो स्टेटमेंट आएगा पी के सच डेट 41 की पावर k माइनस 14 की पावर k, मान लेते हैं ये 27 x के बराबर है, माना क्या करा हमने, मान लिया, ठीक, और मान लेते हैं माना n बराबर k के लिए कथन सत्य है, n बराबर k के लिए कथन सत्य है, क्लियर है। अच्छा मान लेते हैं स्टेप थर्ड देख, स्टेप थर्ड में क्या करेंगे, स्टेप थर्ड में n इक्वल टू क्या रखेंगे, k प्लस 1 रखने पर, तो ये जो p k प्लस 1 सच डेट हो जाएगा 41 की पावर k प्लस 1 माइनस 14 की पावर k प्लस 1, ठीक है। देख करेंगे क्या, इसको लिखते हैं 41 की पावर k इंटू 41 लिख सकते हैं, हैं पावर 1 है ना, तो 41 की पावर k इंटू 41 माइनस 14 की पावर k इंटू 14, इसकी पावर वन और गुणा में घाते जोड़ती है, ठीक ना। हमें स्टेप सेकंड यूज़ करना है, 41 की पावर k माइनस
14 की पावर के बराबर 27 एक्स, ये उसका नेप। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए देखो क्या कर सकते हैं, 41 की पावर के इंटू 41 माइनस 14 की पावर के इंटू 14। इसमें एक बार जोड़ दो किसको, 41 इंटू 14 की पावर के, और एक बार इतने को क्या कर दो, घटा दो 14 की पावर के, डॉट का मतलब क्या है यहाँ पे इंटू है, हाँ क्लियर है, क्योंकि इसके साथ 41 है ना, इसका कितना है 41 है, हमें 41 के पावर के माइनस 14 की पावर के चाहिए, तो इसमें से इसमें 41 है यहाँ पे, है कि नहीं, तो इसमें इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें भी 41 से गुणा करके एक बार जोड़ देंगे और घटा देंगे, सिंपल स्टेप है, याद रखो, हाँ उस जितना घटाएंगे उतना ही जोड़ेंगे, हैं, हाँ हाँ, बस ये स्टेप देखना है, इसका और इसका देखना, इसके साथ इस स्टेप में कितने का मल्टीप्लाई हो रहा है, उतने के मल्टीप्लाई करके इसमें इस वाले टर्म्स में उतने का मल्टीप्लाई करके एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे, बस इतना स्टेप याद रखो तो क्वेश्चन संभाली सिंपल हो जाएगा। देखो इस वाले टर्म्स को ले लेते हैं और इस वाले टर्म्स को ले लेते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैं माइनस का चाहिए, अगर प्लस का चाहिए होता तो प्लस वाला ले लेते, ठीक, तो इन दोनों टर्म्स को ले लेंगे, तो इसमें से देखो क्या कॉमन आ रहा है, 41 तो जाए 41 की पावर के माइनस 14 की पावर के, अब 41 में से 14 घटा दो, क्योंकि ये दोनों तो सेम है ना, ये दोनों सेम है, तो 41 में से 14 घटा दो तो प्लस का 27 इंटू 14 की पावर के हो जाएगा ना, आया बात समझ में, मतलब ये टर्म्स ऐसे ही है, 41x माइनस 14x, ये दोनों टर्म्स, तो 41 में से 14 घटा देंगे तो क्या जाएगा 27, ठीक, हाँ 27 लिया जाएगा 14 की पावर के, ये x की बात ही व्यवहार कर रहा है यहाँ पे। अच्छा देखो स्टेप रुक जाए एक मिनट, स्टेप सेकंड से देखो इसका वैल्यू कितना है, 27 एक्स है, तो क्या जाएगा 41 गुणा 27 एक्स माइनस प्लस 27 गुणा 14 की पावर के, देख इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 27 कॉमन आ रहा है, तो 41 एक्स बचेगा प्लस यहाँ पे बचेगा 14 की पावर के, देखो इस पूरी संख्या को अगर हम क्यू लिखें तो ये जो 27 क्यू, मतलब ये जो पूरी संख्या है ये 27 से क्या जाएगा, भाज्य हो जाएगा, या हम कह सकते हैं ये 27 का एक गुणज है, नीचे लिख देंगे, अतः ये है 27 का एक गुणज है, इसलिए n बराबर k प्लस 1 के लिए कथन सत्य है, और नीचे लिख देंगे अतः n बराबर n बिलोंग्स टू कैपिटल n के सभी मानों के लिए गणितीय सिद्धांत से दिया गया कथन सत्य है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में तुम्हें बस एक चीज याद रखना है, मतलब जो तुम्हारी सबसे डिफिकल्ट काम है उसको अगर सिंप्लीफाई करना है, उसको अच्छे से समझना है, तो मैं तुम्हें बस स्टेप सेकंड पे नजर डालना है, हमें क्या चाहिए, ठीक ना, तो पहले वाला, इसका पहले वाला टर्म्स ले लेंगे, ये 41 की पावर के माइनस इंटू 41 ये ले लेंगे ना, यहाँ पे भी 41 की पावर के है, अब इसके साथ देखेंगे क्या मल्टीप्लाई में है, क्या मल्टीप्लाई में कितना है, 41 है, ठीक ना, तो इसमें देखेंगे इसका सेकंड पद क्या है, 14 की पावर के, तो क्या करेंगे 14 की पावर के में 41 की गुणा करेंगे और उसको एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे, अरे बस समझे, मतलब ये स्टेप तुम्हें अगर सिंपल करना है तो इसके साथ जो गुणा में होगा, पहले पद के साथ जो गुणा में होगा, इसकी गुणा इसके सेकंड पद से करके एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, अब इसके साथ देख लेंगे कौन सा लेना है, अगर नेगेटिव है तो माइनस वाला ले लेंगे, अगर पॉजिटिव है तो प्लस वाला ले लेंगे, फिर इन दोनों को कॉमन ले लेंगे और इन दोनों को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, बाकी को सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो हमें आ जाएगा डिजायरेबल, कॉमन लिया है, हाँ
हमने दो में से कॉमन लिया ना, इसमें से लिया है और इसमें से लिया है, हमने इसमें से इसको घटाया है। देख ये 14 की पावर के, ये 14 की पावर के दोनों सेम है, तो इसके गुणांक क्या हो जाएंगे आपस में घटेंगे, गुणांक आपस में क्या होंगे घटेंगे, तो 41 में से 14 को घटाएंगे तो क्या होगा 27, क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का, घटा देंगे, प्लस प्लस का होगा तो जोड़ देंगे। अरे बस ना, हाँ, और इनमें से 41 का माना जाएगा तो यहाँ पे 41 की पावर के बचेगा और यहाँ पे 14 की पावर के बचेगा, इसका वैल्यू उस टाइम सेकंड से उठा के रख देंगे। अरे बस समझे, हाँ बता क्या कहे, देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 24 चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक, यह है पी एन सच डेट 2n+7 का स्क्वायर इज लेस देन n+3 का स्क्वायर, बात नहीं सॉरी 2n+7 है, स्क्वायर नहीं है, 2n+7 इज लेस देन n+3 का स्क्वायर, ये लेस देन का साइन है, कोई नहीं आता रहता है। देख इसमें देखो क्वेश्चन, देखो इसमें सबसे पहले स्टेप फर्स्ट चेक करते हैं, स्टेप फर्स्ट n=1 रखने पर, n=1 रखने पर, जब n=1 रखेंगे तो p1 such that 2 × 1+7 इज लेस देन 1+3 का, इसको 7 और 2 9 इज लेस देन 16, मतलब 9 जो है वो 16 से छोटा है कि नहीं है, है ठीक, चलो आगे बढ़ो, अतः n=1 के लिए कथन सत्य है, है? आएगा ही नहीं, n=k रखने पर, क्या रखेंगे n=k रखने पर, जब k रखेंगे तो कितना आएगा, ये जाएगा पी के सच डेट 2k+7 लेस देन k+3 स्क्वायर, माना n=k के लिए कथन सत्य है, मान लेते कथन सत्य है, ठीक ना, तो जब p और थर्ड स्टेप, स्टेप थर्ड, यदि सॉरी यदि नहीं, माना n=1 कितना k+1 रखने पर, इस पर रखते हैं k+1 रखते हैं, k+1 रखेंगे तो जब 2k+1+7 लेस देन k+1+3 का स्क्वायर, पी k+1 सच डेट 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k+2+7 लेस देन k+4 का स्क्वायर, अगर इसका स्क्वायर खोलते हैं तो जाएगा k² + 16 + 8k, कितना करा LHS ले लो, उसमें LHS 2k+2+7, तो इसको लिखेंगे 2k+7+2, देखो स्टेप सेकंड से 2k+7 इट इज़ लेस देन k+3² + 2, इट इज़ लेस देन k² + 9 + 6k + 2, इट इज़ लेस देन k² + 6k + 11, देखो इन दोनों के अगर कंपैरिजन करोगे, इस वाले टर्म्स के और इस वाले टर्म्स की कंपैरिजन करोगे, ठीक ना, यहाँ पे लिखना इक्वल का साइन, इट इज़ लेस देन क्या जाएगा k² + 16k + 11 होगा, इससे लेस, देखना k² से k² ही आ गया, ये 6k है, सॉरी
गलत लिख दिया ना मैंने, कितना ये जाएगा 8K प्लस 16, ये है ना RHS। देख K square बराबर है ठीक ना, 6K ये 8K है, ज़्यादा हो गया ये ठीक ना, ये 11 है और ये 16 है, तो ये ज़्यादा हो गया, मतलब ये वाला टर्म्स इससे क्या होगा ज़्यादा होगा, वही दिखाना था ना कि ये वाला जो टर्म्स है ये इससे छोटा है, तो इसको हमने सॉल्व किया तो ये जो आ रहा है ये इससे क्या होगा छोटा होगा, जब ये छोटा होगा तो क्या लिखेंगे n बराबर k प्लस 1 के लिए कथन सत्य है, अब ये कथन सत्य है तो नीचे लिख देंगे n बिलोंग्स टू कैपिटल n के सभी मानों के लिए दिया गया कथन गणितीय आगमन सिद्धांत से सत्य है ठीक ना। इसी के साथ हमारा PMI मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन खत्म होता है ठीक ना। इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना ठीक, और कोई कमेंट्स कोई डाउट्स हैं तो कमेंट्स करना ठीक है, क्लियर है, फिर मिलेंगे चैप्टर फर्स्ट में, इसके बाद चैप्टर स्टार्ट करेंगे फर्स्ट 4